हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ इग्नोलिमा, जिसको लिपस्टिक ट्री बोलते हैं। पिंक इग्नोलिमा है दोस्तों ये। तो दोस्तों, मैं आज इसको आपको बताने वाला हूँ प्रोपोगेशन करने का एक बहुत ही अच्छा सा और सीधा सा तरीका। दोस्तों देखिए, ये मेरा प्लांट है, किस तरह से कितना बुशी हो चुका है। ये मैं अभी 8-9 महीने पहले ही लेके आया हूँ इसको, और इसी से हम और बहुत सारे प्लांट्स इसमें से तैयार करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से इसमें से जो है ये बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे से बन गए हैं दोस्तों। इसमें से मैं आज इसको प्रोपोगेट करके दिखाने वाला हूँ आपको, और बहुत सारे प्लांट्स इससे हम जो है डेवलप करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से दोस्तों इसको आप अलग अलग कर लेंगे। काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है दोस्तों ये, और काफ़ी सुंदर इसका जो प्लांट्स होता है। इग्नोलिमा की बहुत सारी रेयर वैरायटीज आती हैं दोस्तों, एक से एक अच्छी वैरायटी आती है। तो इस तरह से कुछ हम जो इनको प्रोपोगेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे इनको जो रूट बल्ब्स को। इस तरह से कुछ हम अलग अलग कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं आज आपको इसका एक सीक्रेट तरीका बताने वाला हूँ, जो इसकी सॉइल को तैयार करना है, किस तरह से कौन सी जो सॉइल हम इसमें यूज करें जो अच्छी से अच्छी सॉइल होगी। ये देखिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लांट बन गए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 7 प्लांट बन चुके हैं ये हमारे, और मैं इनके लिए पॉट जो यूज करने वाला हूँ, ये पॉट्स हैं दोस्तों इस तरह के। इस मिट्टी को मैं कर दूंगा एक तरफ, और जो हम इसके लिए सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या सॉइल मिक्सचर होगा, जो कि हम इग्नोलिमा को बहुत अच्छी से तरह से हमारे इग्नोलिमा को जो है अच्छा से रख सकता है, और अच्छी हेल्थ वेल्थ बना सकता है इसकी। तो दोस्तों थोड़ा सा हम इसमें 10% रेता जो कि बालू बोलते हैं जिसको, वो यूज करेंगे। 15% से 20% तक दोस्तों हम इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे दोस्तों। 10% दोस्तों हम इसमें नीम खली का जो है खाद ले लेंगे दोस्तों। ये नीम खली जो है बहुत ही मिनरल्स इसको प्रदान करती है, पौधे को बहुत ही अच्छे से ग्रो कराता है, और हमारे पौधे को जो है हर चीज़ की प्राप्ति कराता है। कुछ इसमें दोस्तों हम जो है लीव्स के जो है खाद ले लेंगे, पत्तों वाली खाद जो होती है दोस्तों। ये देखिए, ये मैं पत्तों वाली कुछ खाद ले लूँगा दोस्तों इसमें, और थोड़ा सा हम जो है काउडंक यूज करेंगे दोस्तों इसमें, हल्का सा काउडंक कंपोस्ट यूज करेंगे दोस्तों ये वाला। और थोड़ा सा हम इसमें 15 से 20% 30-40% तक अपना नारियल का बुरादा रखेंगे दोस्तों, जो कि मॉइस्चर को बनाए रखने में प्लांट के अंदर बहुत ही मददगार होता है दोस्तों। तो ये भी हम इसमें जो है ऐड करेंगे थोड़ा सा, लगभग 40 से 50% तक हम इसको ले सकते हैं आराम से। और इस तरह से जो है हम इसमें दोस्तों हम सॉइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, सॉइल यूज नहीं करेंगे दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा जो घोल है ये तैयार हो चुका है दोस्तों इस तरह से। इसमें फिल्टर के लिए जो है पॉट्स में मैं लीव ही डालूंगा दोस्तों। इस तरह से मैं जो है इनको लीव का फिल्टर लगा दूंगा दोस्तों। ज़्यादातर मैं लीव के ही फिल्टर यूज करता हूँ दोस्तों अपने प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये पानी को रिटेन करने में और ड्रेन करने में आसान रहते हैं। इस तरह के जो है मैं फिल्टर इसमें यूज कर रहा हूँ दोस्तों। और नर्सरी वाले भी दोस्तों इसी तरीके से जो है इग्नोलिमा प्लांट्स को लगाते हैं, और उसी तरीके से जो है वो आप लोगों को ग्रो करा के देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपना प्लांट लूँगा, थोड़ी मिट्टी इसमें मैं फील कर दूँगा, और इस तरह से जो है अपने प्लांट को लगा दूँगा दोस्तों। इस तरह से मैं जो दोस्तों इसको फिट करके लगा दूँगा अच्छे से। आप दोस्तों ये 5 से 6 महीने में आपको जो है डबल करके दे देता है प्लांट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चलेगा पौधा आपका। इस सॉइल में आप लगा के देखिए,
मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, मैंने जो लगाया है, मैंने किया हुआ है एक्सपेरिमेंट बाकायदा इस पर। तो मैं यही खाद और जो है सॉइल यूज करता हूँ दोस्तों, इस तरह से जो मैं अपने प्लांट्स को इसमें टेक दूंगा, बिठा दूंगा इसमें आराम से, और पौधे जो है मेरे काफ़ी अच्छे से हेल्थी और वेल्थी हो जाएंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से मैं जो है इनको सबको इसमें बिठा दूंगा आराम से। इसमें अगर एक दो चीज़ें आपके पास में दोस्तों नहीं होंगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में ये सारी चीज़ें ही होनी चाहिए जो कि हमने इसमें आप में आपको वीडियो में दिखाई है। अगर एक दो चीज़ें नहीं भी होंगी तो भी हमारा प्लांट अच्छे से चल जाएगा, और इसी तरह का आप जो है इग्नोलिमा के लिए मिक्सचर तैयार करके रखें दोस्तों। ऐसे मिक्सचर की मिट्टी में आप अगर इसे लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट देखना बहुत अच्छे से ग्रो करेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसके कितने अच्छे अच्छे से निकल रहे हैं, इस तरह के शूट्स निकल रहे हैं इसमें साइड से। यही प्लांट बनेंगे आगे हमारे, और बहुत सारे बुशी होते चले जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और, ये जो प्लांट है हमारा ये सेमी साइड और इंडोर प्लांट है, चाहे तो आप इसे बालकनी में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह के जो है आप इससे बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं इसी पौधे से दोस्तों। इसमें हम थोड़ा पानी स्प्रे कर देंगे, पानी लगा देंगे इस तरह से, पानी वाटरिंग कर देनी है दोस्तों अच्छे से इसको। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके बताएं। इसी बात के साथ में आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।